नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। भरनो प्रखंड के अंबेरा नगेसिया टोली गांव में जंगली भालू के हमले से ललित किसान की मौत हो गई, जबकि दो किसान और हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को सिसई रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स में रेफर किया गया। इस हमले के शिकार हुए तीनों एक ही परिवार के सदस्य है। घटना अहले सुबह 6 बजे की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों लोग खेत में हल चलाने गए हुए थे, तभी भालू ने अचानक किसान ललित किसान के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मंगलेश्वर और सुभाष ने ललित को जंगली भालू से उसे बचाने की कोशिश किया, लेकिन जंगली भालू ने उन पर भी हमला कर उन्हें भी बुरी तरह से घायल कर दिया। जब इस बात की खबर ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने पटाखे जलाकर जंगली भालू को खदेड़ा। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज वर्मा और ग्रामीणों के सहयोग से आनन फानन में तीनों को ससई के रेफरल अस्पताल में ले जाया गया, जहां ललित किसान को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया और दोनों घायलों को गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज के उपरांत रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची रिम्स में इलाज के उपरांत सुभाष किसान की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है और गांव में जंगली भालू के प्रवेश से गांव में खौफ का माहौल है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।